यार मुझे बस दिक्कत है कि 0.1% मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, तो कहीं कुछ कितना दबरा है। इसमें एक मोटर टायर इंस्टॉल करते हैं। मैं पानी पानी हो गया, पर ये पानी नहीं है भाई, ये है पसीना, क्योंकि आपका भाई अभी आ रहा है रनिंग करके। सो रनिंग मैंने कर ली है, एक्सरसाइज कर रहा था, पर मैंने सोचा थोड़ी एक क्लिप यहीं पे शूट कर देता हूँ कि मैंने अपनी बाइक के लिए कुछ लिया है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने टेल टेडी उसमें इंस्टॉल की थी, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत उसमें आ रही थी कि जो उसका टायर था वो है थोड़ा, मतलब जब तक मरघाट था तब तक ठीक लग रहा था, लेकिन अब वो टायर मरघाट के हटने के बाद बहुत छोटा लगने लग गया है। सो मैंने सोचा इसमें एक मोटर टायर इंस्टॉल करते हैं। सो तुम्हारा भाई वो टायर ला चुका है, सो पहले आप यही देख लो। तो ये अंकल जी हमारा टायर लेके आ रहे हैं, जल्दी ले आओ अंकल जी। तो आप देखो ये टायर किसने देख लिया कि आपका भाई टायर ला चुका है, तो अब बस मुझे उस टायर को अपनी बाइक में इंस्टॉल करना है और मेरी बाइक का लुक एक लेवल और अपग्रेड हो जाएगा। सो उसको मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा लुक आएगा, अच्छा आए। अरे रेट, उस टायर का जो रेट है वो मुझे 5,000 पड़ा है, जो कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ यार, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सो उसका मुझे प्राइस पड़ा है लगभग 300 रुपये। सेकेंड हैंड टायर है, 1.5-2 महीने चल जाए बहुत है, क्योंकि पैसे थे नहीं, लेकिन उस टायर से थोड़ा अपग्रेड करना था, तो मैं सोचा सेकेंड हैंड। सोचा क्या, जब पैसे नहीं हो तो भाई आदमी सेकेंड हैंड ही लगाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हो ना। तो अब थोड़ी देर में मैं यहाँ से रनिंग करके अपने घर जाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो भाई लोगों, मैं निकल चुका हूँ घर से अपनी बाइक में ये टायर लगाने के लिए। देख ही सकते हो आप टायर कितना मोटा है और ये कैसा है। और एक चीज़ और बताओ, टायर हो रखा मेरा पंचर, पंचर मतलब हवा बिल्कुल नहीं है, तो मैं ऐसे ले जा रहा, अब क्या करें, ले जाने पड़ेगा। देखो कितना दब रखा है, पर मैं सोच रहा था कि इस पर आखिरी बार एक बर्नआउट मारूं, लेकिन टायर पंचर में तो मैं ये रिस्क भी नहीं ले सकता कि इसकी वैसे ही पंचर हो रखा, बर्नआउट मारूं। अब बर्नआउट मारने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं रिम को कोई नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि हवा नहीं है ना उसमें, तब जाके मैं बोल रहा हूं। सो इस तरीके से मैं फिट करके ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूं यहां पे। सो ले जाते हैं इसको और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से ये टायर इंस्टॉल होता है, बस हो जाए यार। मुझे बस दिक्कत है कि 0.1% मेरी किस्मत हमेशा ख़राब रहती है, तो कहीं कुछ धोखा ना हो जाए। सो आप भी दुआ करो यारो, मिलते हैं तब। व्यू देखो यार, ना 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 ना, ना 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 ना। तो मैं आ गया हूँ अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो मैं निकल रहा हूँ अपने घर से और टायर हमने इंस्टॉल कर दिया है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी बाइक का जो लुक है वो किस तरीके से आ रहा है। लेकिन पहले मैं यहाँ से निकाल देता हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत बारिश हुई ना, तो यहाँ पे बहुत स्लिपरी हो रखा है, तो पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो भाई चलते हैं यहाँ से सीधा अपने अड्डे पे और दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से मेरी बाइक लग रही है। लेकिन एक बात है, ये जो टायर लगाने के बाद है रोड पे, इसकी ग्रिप बड़ी मस्त आ रही है, ग्रिप इन द सेंस की चौड़ा टायर है ना, तो जैसे झुका वुका रहा हूँ तो मस्त कंट्रोल आ रहा है, क्योंकि जो पहले का टायर था भैंस की वो थोड़ा सा बबलिंग करता था, लेकिन ये बहुत बढ़िया है यार। मेरे घर वाले तो बोल रहे थे कि ये टायर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये टायर बहुत मोटा था ना, बहुत ज़्यादा ही मोटा था यार। पहले मेरे को भी, जब मैं दुकान में गया तो मेरे को भी थोड़ी उम्मीद टूट गई थी, क्योंकि दुकानदार भी थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा था भैंस की कि लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आसानी से घुस गया, ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। सो उसी का परिणाम स्वरूप मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, नहीं होता तो भाई मैं क्या दिखाता यार, मेरा कंटेंट का क्या था, मेन चीज़ तो कंटेंट ही है यार। सो ये हमारे गाँव की रोडें हैं, देख सकते हो आप किस टाइप की गांव की संकरी संकरी रोडें होती है, और यहाँ तो भाई बहुत संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक गलती बहुत
बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि समझ लो आप कि बहुत रिस्की है ये गांव की रोडों पे, ऊपर से हमारी कल रात की बारिश भी हो रखी है, तो भैंस की अगर कहीं रियाड़ है मतलब रेत है तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत है। सो आप थोड़ा इंजॉय करिए हमारे इस रूट का। Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. भाई ये जो घास आप साइड में देख रहे हो ना, ये बहुत भयानक टाइप की घास है, मतलब हम बाइकर्स के लिए। इसमें क्या है कि अगर भैंस की जैसे कि है और हमने इसके ऊपर ब्रेक मार दिया, हल्के से भी गाड़ी डगमगा गई या हमने थोड़ा सा झुका के दी गाड़ी, तो भाई समझ लो कि बंदा बहुत स्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे तो भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। सिर्फ यहीं पे नहीं, देख लो भाई किस तरीके से पूरी रोड में फैल रखा है यार। वो तो आपका भाई थोड़ा सा प्रो हो गया यहाँ डेली चला के, इसलिए मैं आराम से चला दे रहा हूँ, वरना समझ लो यार। सो यहाँ से मैं सीधा अपने अड्डे पे जाता हूँ और अड्डे में जाके आपको बताता हूँ मैं बाइक के हाल चाल, तब तक आप इंजॉय करो। तो भाई लोगों ये है हमारी गाड़ी और जो मैंने इसमें टायर इंस्टॉल किया था आपको दिखाता हूँ। तो इतना मोटा टायर ये है और जो पैदल टायर था वो लगभग इतना ही था, ज़्यादा तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये एक नंबर लग रही है। पीछे से आप देखो मतलब टायर जब मोटा होता है तो गाड़ी का लुक और चौड़ा हो जाता है भैंस की। भाई ये कटाना है इसमें, तो इस तरीके से कुछ हमारी गाड़ी दिख रही है। अब मैं इसको भी हटाने वाला हूँ, शायद से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हटा के हम देखेंगे हमारी गाड़ी किस तरीके से लग रही है। अगर अच्छी लगेगी तो भाई अच्छी लगनी चाहिए यार वैसे तो ऐसी हमारी गाड़ी दिख रही है। तो ये था हमारी इसकी आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल पे बने रहना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो जरा मज़े पड़ जाएंगे। सो ऐसी कुछ हमारी गाड़ी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है।